वेराड़ मंडी प्रांगण में अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आम सभा को किया संबोधित। बोले, भाजपा की विकास यात्रा सरकारी खर्चे पर निकाली जा रही। कैलाश कुशवाहा ने बीएसपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। वेराड़ पोहरी विधानसभा के वेराड़ कस्बे से कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आगाज कर दिया है। जहां वेराड़ मंडी प्रांगण में कमलनाथ की सभा में दो बार से बसपा की ओर से चुनाव लड़ते हुए आ रहे कैलाश कुशवाहा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। भरे मंच से कमलनाथ ने भाजपा सरकार की ओर से निकाली जा रही विकास यात्रा को निकास यात्रा बताया। कमलनाथ ने कहा कि सरकारी खर्चे ये यात्रा शिवराज सिंह चौहान निकाल रहे हैं। शिवराज सरकार को घेरते हुए कमलनाथ ने कहा कि 215 महीनों की सरकार ने 190 महीने राज किया और शिवराज हमारी 15 महीनों तक चली सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हिसाब मांगते हैं। इस दौरान कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक साथ खड़े होकर हिसाब लेने और देने को भी आमंत्रित किया। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? अब आप कोई बात नहीं सुनेंगे किसानों की। कैसे किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है? आज टमाटर का क्या भाव है यहाँ? आप मालवा जाइए, लहसुन 1 रुपए में, ये टमाटर गुट में कह रहा हूँ, टमाटर की क्या स्थिति है? शिवराज जी, ये कलाकारी से, ये कलाकारी बहुत हो गई। आप तो अच्छे एक्टर हैं, अच्छे कलाकार हैं, बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। आप 190 महीने का जवाब दीजिए। ये आज आपने मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से बनाई है। अब मध्य प्रदेश नहीं है, भ्रष्टाचार प्रदेश है, घोटाला प्रदेश है। और मैं तो आपको कहता हूं, आप सबको जब तक आप इनके नेताओं को बेरोजगार नहीं बनाएंगे, ये बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली। सबसे पहले तो बेरोजगारी इनके नेताओं को बेरोजगार करिए। हमारे नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। नौजवानों को क्या होगा? वो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कहते थे ना। अब पूछो, कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी, अगर आप स्कूल गए तो जिस स्कूल में आप पढ़े वो कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी, भविष्य सुरक्षित रखेंगे। माता और बहनों, आपने इतने प्यार से इन बच्चों को पाला पोसा है, यही चुनौती है सबसे बड़ी। मैं मान के चलता हूं कांग्रेस की सरकार बनेगी सबसे बड़ी चुनौती और नंबर 1 प्राथमिकता मैं नौजवानों को दूंगा, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। और अगर आपने अपनी कमर कस ली, आपने अपनी कमर कस ली और सच्चाई का साथ दिया, तो शिवपुरी जिले का पूरा हर क्षेत्र का जिला मध्य प्रदेश की विधानसभा में लड़ाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।